हबीस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई का दौरा कर सिंगापुर रवाना होने से पहले उन्होंने सुल्तान बोल्किया के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों के बीच व्यापार, वाणिज्यिक संबंधों और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ाने के लेकर चर्चा की गई। बता दें, पीएम मोदी दो देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में मंगलवार को ब्रुनेई पहुंचे थे। यहां उनका भव्य स्वागत हुआ। वे ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया और उनके करीबी परिवार के सदस्यों से दुनिया के सबसे बड़े महल इस्ताना नूरुल इमान में मुलाकात। देश में जातीय जनगणना कराना, डिलिमिटेशन और महिलाओं को 33% आरक्षण। केरल के पलखर में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में इन तीन बड़े मुद्दों पर चर्चा। इनमें भी जनगणना और महिला आरक्षण पर ज्यादा फोकस रहा। आरएसएस का मानना है कि 2029 तक अगर 33% महिलाएं संसद में आ जाती हैं तो देश का इतिहास बदल जाएगा। वहीं क्रीमी लेयर में बदलाव पर आरएसएस का मानना है कि आरक्षण से जुड़ी जातियों की सहमति के बगैर कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के हरियाणा से विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच दोनों ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस दोनों पहलवानों को टिकट ऑफर दे चुकी है। विनेश को 3 और बजरंग को 2 सीटों के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक विनेश फोगाट को जिन 3 सीटों का ऑफर दिया गया है उनमें पहली 2 सीटें चरखी दादरी की दादरी और बाढ़ड़ा है, वह इसी जिले के बलाली गाँव की रहने वाली है। वहीं बजरंग पुनिया को भी 2 सीटों का ऑफर दिया गया है। बजरंग सोनीपत से चुनाव लड़ना चाहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं। अब एलजी राजधानी में अथॉरिटी बोर्ड कमीशन या वैधानिक निकाय का गठन कर सकेंगे। इसके अलावा वे इन सभी बॉडीज में मेंबर्स की नियुक्ति भी कर सकेंगे। इससे पहले यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास था। गृह मंत्रालय ने मंगलवार यानी 3 सितम्बर को देर रात एलजी की शक्तियां बढ़ाने से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया। मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 के तहत लिया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार रात 2 दिन के दौरे पर मंगोलिया पहुंचे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मंगोलिया सरकार को पुतिन की गिरफ्तारी का आदेश दिया था, मगर वहां उन्हें गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। न्यूज एजेंसी TAS के मुताबिक ICC के आदेश को दरकिनार कर राजधानी उलन बटार में पुतिन का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान चंगेज खान के स्मारक को मंगोलिया और रूस के झंडे से रंग दिया गया। हालांकि कुछ मानवाधिकार समर्थक एयरपोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं बरती। नेशनल न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए है बिजनेस। अगर आपको हमारी खबर पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।